बहुत बारी हमारे पास क्लाइंट आते हैं वो बताते हैं अपने हाथ दिखाते हैं पूरे हाथों पे स्क्रैचेस पड़े होते हैं बाजू पे स्क्रैचेस पड़े होते हैं रीजन हेलो एवरी वन आई योर फ्रेंड यू होस्ट बादल भंडारी एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉर डिफ्रेंड आज मेरे साथ में बहुत ही प्यारा सा बच्चा है और ये अमेरिकन बुली पिटबुल का कॉम्बिनेशन है और ये लड़की है शी इज़ टू मंथ्स ओल्ड अगर ये अकेली पिटबुल होती तो इसका साइज थोड़ा और बड़ा होता है अभी से मैं बादल भंडारी हूँ और मैं पिछले पच्चीस साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूँ मैं पठानकोट बेस्ड हूँ और मैं बिहेव दिस्ट हूँ डॉग्स का अब आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में ये जो बच्चा है ये बहुत सारी दंदियाँ मार रहा है मुझे और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है छोटे पपीज़ के साथ में चाहे वो किसी भी ब्रीड के हों स्पेशली जब वो हाई एनर्जी डॉग्स होते हैं जैसे बीगल हो गया अमेरिकन बुली पिटबोल्स या इस तरह की कोई भी छोटी हाई एनर्जी ब्रीड तो डेफ़िनेटली इस तरह के रिजल्ट आते हैं जो इसके ऑनर हैं वो मेरे पास में आए थे इसे चेक करवाने के लिए और उन्होंने मुझे बताया कि इसकी प्रॉब्लम आ रही है कि ये देखिए आप ये मेरे को बात भी नहीं करने दे रही है और ये दंदियाँ कर रही है दंधियाँ हमारी बाइटिंग कर रही है इसका सॉलिड सोल्यूशन आपको बताऊंगा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आपको हंड्रेड टेन परसेंट ग्रेंटेड रिजल्ट मिल जाएगा जो आपकी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है जो बच्चा है जब वो हमारे हाथ पे बाइट करता है जैसे ये मेरे हाथ को पकड़ रही है और मैं अपने हाथ को छुड़ाने के लिए पीछे खींचूंगा तो हाथ के ऊपर स्क्रैच आएगा बिकॉज शी डोंट हैव हैंड्स टू होल्ड इट मैं पहले भी बहुत बार ये बताता हूँ इसके जो ये वाले जो दांत हैं अगर आपके नाइन टीथ देखेंगे ये देखिए फोर जो फ्रंट वाले टीथ है ये बहुत ही शार्प है शार्प लाइक नीडल्स और अगर इनके इसके जो टीथ है उसको अगर हम ही बात है वी कान्ट डू कि हम इसके टीथ को काटेंगे नहीं कुछ नहीं कर सकते ऐसा लेकिन हम उसकी शार्पनेस को कम कर सकते हैं और इसको समझा सकते हैं कि बच्चे गंदी बात है बाइट नहीं करना बहुत बारी हमारे पास क्लाइंट आते हैं वो बताते हैं अपने हाथ दिखाते हैं पूरे हाथों पर स्क्रैचेज पड़े होते हैं बाजू पर स्क्रैचेज पड़े होते हैं रीजन ये छोड़ते नहीं है बाइटिंग करते हैं इनको मजा आता है इनको सुदिंग लगता है जैसे छोटे बच्चों के ह्यूम्स में भी जब दांत निकल रहे होते हैं तो अक्सर उनकी भी यही वो रहती है प्रियोरिटी चाहे मोबाइल आ, आ जाए तो भी चीव करेंगे रिमोट आ, आ जाए तो भी चीव करेंगे अब इस बच्चे को अगर मुझे बिजी करना है अगर मुझे इस बच्चे का माइंड डाइवर्ट करना है तो मुझे इसे टॉय देना है से ये ये मैं टॉय दे रहा हूँ उसको चीव करने के लिए राइट इसके ऊपर अलग अलग अब देखिए मैंने आपके लिए ये देखिए बहुत सारी टॉय टॉयज रखे हैं बोन्स शेप में रखे हैं इसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो टीथिंग टाइप हो रखा है टीथिंग के लिए वो निशान बने हुए हैं एक ऑप्शन हो गई दूसरा ये ये ऑप्शन हो गई इसको अगर आप पास से देखेंगे तो इसके ऊपर भी ये छोटे 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 स्टड्स जैसे बने हैं एंड दे आर सॉफ्ट इनफ बहुत सॉफ्ट भी नहीं है बट बहुत हार्ड भी नहीं है डॉग के लिए सूदिंग के लिए बहुत अच्छे हैं इस तरह के आप इन्हें टॉयज दे सकते हैं ये सारी ऑप्शन है ये देखिए ये है ये है, अगर आप चाहते हैं कोई स्क्वीज़ी टाइप का तो आप ये भी दे सकते हैं ये स्क्वीजी टॉय है क्योंकि स्क्वीजी को भी डॉग बहुत पसंद करते हैं इंपॉर्टेंट क्या है इम्पॉर्टेंट ये है जब भी डॉग हमारा हमारे साथ शरारत करने की कोशिश करता है कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहा है या हमारे हाथ को चबाने की कोशिश कर रहा है हमें उसे सॉफ्टली मना करना है सबसे पहले तो नो की कमांड देनी है अगेन समझिएगा इस चीज को नो गुड गर्ल जैसे इसका जो नाम है वो ब्रॉक्सी है ब्रॉक्सी गुड गर्ल वॉइक नहीं करते कहाँ जा, जा रहे हो आप कहाँ जा रहे हो इसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए चेस्ट के आगे खुजली कीजिए पैम्पर कीजिए इसे लाड कीजिए अगर ये मान लीजिए हाथ को जैसे अगेन ये मेरी अचीव कर रही है तो मुझे इसे नो no की कमांड देनी है नो no ब्रॉक्सी गंदी बात नो no. अगर हम इसका फ्रंट लेग जैसे अगर ये बाइट कर रही है आप देखिएगा रिएक्शन अगर ये मेरे हाथ को बाइट कर रही है दूसरे हाथ से मैंने इसकी लेग को दबाया उसने वो छोड़ दिया इस ये दबा रही है मैंने हल्का सा प्रेस किया उसने वो छोड़ दिया नो no, नो no. वो देखिए उसको क्लियर वो रिएक्शन आएगा उसकी बॉडी का जब हमारे जो एक्शन है उसका रिएक्शन आएगा और हमारा रिएक्शन क्या आएगा जब ये बाइट करेगी हम अक्सर हाथ खींचने की कोशिश करते हैं वो नहीं करना अभी ये देखिए मैं इसे टॉय दे रहा हूँ लेकिन ये बहुत ज्यादा इंजॉय नहीं कर रही है टॉय को अक्सर लोगों की ये प्रॉब्लम आती है कि भैया हमने बहुत सारे टॉय ला दिए हैं डॉग को पर वो उसे अचीव नहीं करता इंजॉय नहीं करता इंजॉय ना करने का एक रीजन है उसको उसका फ्लेवर बड़ा ज्यादा अच्छा नहीं लगता उसको वो पर्पज नहीं लगता उसको थोड़ी देर के लिए तो सूदिंग लगता है फिर उसको लगता है यारे मेरे काम की चीज़ नहीं बेकार है जूता चबाते हैं कपड़े चबाते हैं फुटमैट चबाते हैं कुछ भी एनी मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ दैट इज पीनट बटर स्पेशली मेंट फॉर डॉग्स इसको मैंने खोला है अनपैक किया ओके okay. इसको मैंने फिंगर पे लगाया अब देखिए इसको मैंने फिंगर पे लगाया है एक ही साइड लगा रहा हूँ बिकॉज दूसरी तरफ कारपेट है अब ये देखिए ये उसके लिए बिजी हो गई ये उसके साथ में बिज़ी हो गई अब देखिए ये वही टॉय है जिसको ये अभी पसंद नहीं कर रही थी लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ कुछ हिडन चीज नहीं है ये टॉय को ये पसंद नहीं कर रही थी लेकिन अब वो इसके साथ में लग गई बिकॉज ये जो ब्रिसल है छोटे छोटे इसके बीच में इसका पीनट का फ्लेवर आ गया और उसको वो बहुत पसंद आ रहा है मैंने एक दो ड्रॉप ही डाले हैं उसमें अब ये अगर इस टॉय को इस टॉय को मैं दिखाता हूँ आप देखिएगा नो गुड कर इसको छोड़ दो ये लो अब इस टॉय को नहीं ले रही है वो उसको नहीं ले रही वो दूसरे वाले को देख रही है वो देखिए इसको स्निफ कर रही है इसी को ढूंढ रही है देखिए इसको ढूंढ रही है वो बिकॉज उसको उसका फ्लेवर मिल रहा है देर इज ऑलवेज अ प्रॉपर वे फॉर एवरीथिंग अब किसी और यही वाले हाथ है मैंने ये ग्रीन वाली बोन के ऊपर लगा दिया मैंने इसको मैंने रब कर दिया राइट right? तो अब ये जो ग्रीन वाली बॉल है बोन है सॉरी ये ग्रीन बोन के लिए उसको बोन की शेप से फर्क नहीं पड़ रहा उसको फ्लेवर से फर्क पड़ रहा है ये अगर आप इस तरह से पीनट बटर जो मैंने आपको बताया ग्रेवीज आती हैं चिकन ग्रेवीज आती हैं बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन है तो वो लोग पीनट बटर दे सकते हैं जो नॉनवेज देने वाले हैं वो भी पीनट बटर दे सकते हैं चिकन ग्रेवी भी दे सकते हैं मैंने इसको ये दे दिया अभी ये इसके साथ में अगर मैं चाहूँगा तो ये आधा घंटा खेलती रहेगी क्योंकि इसमें बहुत देर तक इसके फ्लेवर की रहेगी फ्रेग्रेंस फ्लेवर रहेगा रहे टीथिंग के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन इज च्यू टॉय च्यू बोन अगेन विद पीनट बटर बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इसलिए ताकि इसके टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका टेस्ट टॉय के लिए टॉय का इस टॉय का इंटरेस्ट भी बन रहा है इसमें अभी देखिए मैंने उस वाले को ज़रा सा लगाया था अब इस वाले को दिया मैंने वो तो दोबारा दे दिया उसके सामने वो उसको च्यू कर रहा है मेरा आपको ये वीडियो बनाने का मतलब जो है मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर हम प्रॉपर वे से उसको टॉय देंगे उसको टॉय में इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए डियर फ्रेंड्स जो डॉग्स हैं जब वो बाइटिंग करते हैं वो ऐसा नहीं कि पूरा दिन बाइटिंग करते हैं दिन में दो से तीन या मैक्सिमम चार बार ही ऐसा होता है कि उनको बहुत ज़्यादा यू नो एक अंदर से घबराहट सी या इचिंग सी फील होती है उनको लगता है कि हम कुछ ऐसा अचीव करें जिससे उनको सूदिंग मिले तो उसके लिए जो बोन्स दिखाई उसके अलावा जैसे ये बोन है अगेन बोन शेप है बट ये स्क्वीजी भी है तो डॉग स्क्वीजी भी पसंद करता है आप परपजली -पर ले सकते हैं ये स्क्वीजी बोन ले सकते हैं आप रिंग ले सकते हैं ये आप ले सकते हैं बॉल है ये रग्बी बॉल है इस तरह की बहुत सारी ऑप्शन है अक्सर लोग एक और चीज़ के लिए परेशान होते हैं कि भैया ये सामान मिलेगा कहाँ पे तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसका मैं लिंक दे रहा हूँ आपको आ, नीचे अपने वेबसाइट का आप वहाँ पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि आपके डॉग की भी सेम प्रॉब्लम चल रही है वो बहुत ज़्यादा बाइटिंग कर रहा है टीथिंग कर रहा है कुछ भी फाड़ दे रहा है सोफा चप्पल जूता सब चबा दे रहा है तो टीथिंग टॉय अलॉन्ग विट बटर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन राइट यू कैन गो फॉर इट अगर आप ये पर्पजली इसको यूज करते हैं तो डेफिनेटली आई ग्रंटे यू आप जिस दिन आपने यूज करना शुरू किया उसी दिन आपका कमेंट आना चाहिए बादल भैया थैंक यू सो मच हमारा डॉग जो है उसने बाइटिंग हमारे साथ में कम कर दिया वो अपने टॉय के साथ में खेलता है आप ये करके देखिएगा बहुत ही मजेदार आई ऑप्शन दिया आपको मैंने आई होप ये जो वीडियो बनाया है ये आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अब जैसे इसका मूड हो रहा है खेलने के लिए क्योंकि वो देखिए ग्रोलिंग और ये ऐसा नहीं है कि जो इस समय कर रही है ये एग्रेशन दिखा रही है इसको कवर कीजिए प्लीज मेरा पैब्लो इसके साथ में खेलने की कोशिश कर रहा है और ये टेबल के ऊपर चढ़ी हुई है ये वो वो जो खेलने का पार्ट है ना उस तरह की ग्रोलिंग है बहुत सारे लोग इस चीज से भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये गुस्से में काटने की कोशिश कर रहा है अगर कोई और देखेगा इसे तो बोलेगा यार अमेरिकन बोली पिटबुल का कॉम्बिनेशन और ये हमें अटैक करने की कोशिश कर रहा है जबकि अटैक नहीं है ये इट इज पार्ट ऑफ हर प्ले राइट ये जो वीडियो था ये आपको पसंद आया होगा आई होप जो मेरा चैनल है इसे सब्सक्राइब करके रखा है अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल का बटन ऑन नहीं है तो उसे भी ऑन जरूर कीजिए ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो को मिस ना करें साई दया करेंगे मुझ पर आप पे हमारे पेट्स पे सारी दुनिया पे Thank you so much. Love you all. Thank you.